hey guys welcome back to my channel ssp success today we will be talking about indian air force so this would help you when you'll be asked about what do you know about indian air force in your afsb interview but in this video i'll be talking in detail so i'll tell you about everything regarding indian air force from the past to present and this would be my part 1 and we will make few more videos on indian air force let us begin guys सो so, जो इंडियन एयरफोर्स है वो एयर आर्म है इंडियन आर्म फोर्सेस की और ये फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ नंबर पे आती है अमंग द होल वर्ल्ड फोर्सेस ओके इसका प्राइमरी मिशन ये होता है कि इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर करना और एरियल वॉरफेयर को कंडक्ट करना जब भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है ये ऑफिशियली इस्टेब्लिश की गई थी एट अक्टूबर नाइनटीन को एज एन ऑगजलरी एयरफोर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो ऑनर करती थी इंडिया के एवियशन सर्विस को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू विद द प्रिफिक्स रॉयल आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस कहाँ से यूनाइटेड किंगडम से कब 1947 में तो जो नेम रॉयल इंडियन एयरफोर्स है वो रखा गया था और ये नाम जो है वो उसने सर्व किया था इन द नेम ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया विद द गवर्नमेंट ट्रांजिशन टू द रिपब्लिक इन 1950 जो प्रेफिक्स रॉयल था उसको हमने 1950 में रिमूव कर दिया 1950 से जो इंडियन एयरफोर्स है वो चार मेजर वॉर्स में इन्वॉल्व है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के साथ और एक जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अदर मेजर ऑपरेशन जो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किए हैं ऑपरेशन विजय ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन कैक्टस एंड ऑपरेशन पू मलाई जो इंडियन एयरफोर्स का मिशन है वो एक्सपैंड करता है बियॉन्ड एंगेजमेंट विद हॉस्टाइल फोर्सेज विद इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास क्या है उनके पास रैंक होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के वो सुप्रीम कमांडर है तीनों फोर्सेस के नेवी के भी आर्मी के भी और एयरफोर्स के अगर हम फर्स्ट जुलाई 2017 तक की बात करें तो जो इंडियन एयरफोर्स में कितने पर्सनल्स हैं, जो सर्व कर रहे हैं दैट इज वन ओके जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो एयर चीफ मार्शल होते हैं उनका फोर स्टार ऑफिसर होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द बल्क ऑफ ऑपरेशनल कमांड ऑफ एयरफोर्स ओके तो देयर इज नेवर मोर देन वन सर्विंग ए सी एम एट एनी गिवन टाइम इन द इंडियन एयरफोर्स तो सिर्फ एक जो है हमारे एयर चीफ मार्शल होते हैं ओके okay, जैसे अभी है हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया

तो फॉर्मेशन एंड अर्ली पायलट से शुरू करते हैं एक वेस्टलैंड वापती जो कि वन ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स है वो इस्टेब्लिश हुई थी एट अक्टूबर नाइनटीन को इन द ब्रिटिश इंडिया वो भी एक ऑगजलरी एयरफोर्स की तरह ओके किसकी रॉयल एयरफोर्स की जो इनैक्टमेंट था इंडियन एयरफोर्स एक्ट का 1932 उसने ये स्टेपुलट किया कि जो ऑगजलरी स्टेटस है वो रहेगा कब तक 1950 तक और एडॉपशन होगा रॉयल एयरफोर्स यूनिफॉर्म का बैचेस का बेवेट्स का एंड इनसिग्निया का और फर्स्ट अप्रैल 1933 में जो इंडियन एयरफोर्स जो है उसने कमीशन किया अपना पहला स्क्वाड्रन जिसको नंबर वन स्क्वाड्रन बोलते हैं जिसमें चार वेस्टलैंड वपिति बाय प्लेन्स थे तो बाय प्लेन्स का यहाँ पे क्या मतलब होता है तो बाय प्लेन्स का मतलब होता है जिसमें बाय मतलब जिसमें डुअल हमारे ये है विंग्स होते हैं एंड फाइव इंडियन प्लान थे ओके सॉरी पायलट्स थे जो इंडियन पायलट्स जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के वहां पे काम कर रहे थे जिन्होंने कमांड की थी ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट को और बाद में उन्होंने वो एयर वाइस मार्शल थे वो थे ससिल बाउचियर ओके okay? तो वर्ल्ड वॉर टू की बात कर लेते हैं जो कि 1939 से 1945 तक रही थी आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें कैसे हमारे इन, इंडियन एयरफोर्स के जो नौजवान है वो कितने अच्छे से पोज कर रहे हैं ओके तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था किस चीज़ में जापानीज आर्मी को रोकने में ताकि वो बर्मा में नहीं आ पाए जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्रा जिस उनकी पहली एयर स्ट्राइक को एग्जीक्यूट किया गया था जो टारगेट था इस मिशन का वो ये था कि जो जापानीज मिलिट्री बेस है अराकन में उसको उस पर मिशन को स्ट्राइक करना और ये जो है ये मिशन जो है वो स्ट्राइक किया गया था किन के अगेंस्ट वो जापनीज एयर बेसिस के अगेंस्ट जो कि मेई हॉन्ग सोंग और चियांग मेई एंड चेंग राय नॉर्दर्न थाईलैंड में जो प्रेजेंट है जो इंडियन एयरफोर्स है वो मेनली इन्वॉल्व थी स्ट्राइक में क्लोज एयर सपोर्ट में एरियल रेकोनेशनस में बॉम्बर स्कॉट में और पाथ फाइंडिंग मिशन में फॉर द रॉयल एयरफोर्स और य, आ, ये यू एस यू एस एफ हैवी बॉम्बर्स में जो रॉयल एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं उनको ट्रेन किया जाता था बाय फ्लाइंग विद नॉन नेटिव एयर विंग टू गेन कॉम्बैट एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन प्रोफेंसी मतलब पहले जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स होते थे और रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स होते थे उनको नॉन नेटिव एयर विंग्स के साथ जो है वो फ्लाइंग की प्रैक्टिस कराई जाती थी ताकि वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो जाए जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एयर ऑपरेशन में इन यूरोप एज अ पार्ट ऑफ रॉयल एयरफोर्स वॉर के टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने एक फेज को एक्सपीरियंस किया था एक स्टडी एक्सपेंशन के फेज को नए एयरक्राफ्ट ऐड हुए इस फ्लीट में जिसमें यूएस बिल्ट वल्टी वेगिनास डॉगलास डगोता और ब्रिटिश का हॉकर हरिकेन सुपर मरीन स्पिटफायर एंड वेस्टलैंड लिजेंडर भी था इन रिकोगशन ऑफ वॉय इन वेलियन सर्विस बाय इंडियन एयरफोर्स जो किंग जॉर्ज सिक्स हैं उन्होंने कॉन्फर किया था प्रेफिक्स रॉयल 1945 में उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को रेफर किया गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स ओके okay. और 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक मतलब आज़ाद हुआ तो रॉयल जो है वो रिमूव कर दिया था फर्स्ट ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं 1947 से 1950 तक आफ्टर इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर इन 1947 फोर्टी सेवन तो जो ब्रिटिश इंडिया थी वो पार्टीशन हो गई थी दो नई स्टेट्स में जो कि डोमिनियन ऑफ इंडिया था और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था अलोंग द लाइंस ऑफ जोग्राफिकल पार्टीशन जो एसेट्स थे एयर फोर्स के वो डिवाइड हो गए थे दोनों नई कंट्रीज के बीच में जो इंडिया का एयर फोर्स था वो उसने रिटेन किया नेम ऑफ रॉयल इंडियन एयर फोर्स बट थ्री ऑफ टेन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन एंड फैसिलिटीज लोकेटेड विद द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान वो ट्रांसफर टू द रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स जो इंडियन जो इंडिया थे उन्होंने बोला कि हम रॉयल इंडियन एयरफोर्स को जो नेम

पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में 1947 से 1948 के बीच में जो वॉर हुई थी उसकी बात चल रही है तो वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो स्टेट में मूव करने लगी थी तो महाराजा ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे ताकि उनको मिलिट्री हेल्प मिल सके तो उसके बाद क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और रॉयल इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया ताकि ट्रूप्स को ट्रांसफो ट्रांसपोर्ट किया जाए वॉर जोन में और उसके बाद गुड मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स जो है वो काम आई इसकी वजह से हम जो है फुल स्केल वॉर को इरप्ट कर पाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन वॉर नहीं थी बट फिर भी लड़ाई चल रही थी वहां पे तो इस वॉर के टाइम पे जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने एंगेज नहीं किया पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इन एयर टू तो एयर कॉम्बैट ऑपरेशन में बट उन्होंने सपोर्ट उन्होंने फिर भी हेल्प प्रोवाइड की ट्रांसपोर्टेशन की और क्लोज़ एयर सपोर्ट की किन को इंडियन ट्रूप्स को क्योंकि पहले जो इंडियन एयरफोर्स थी और जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी दे वो कंबाइंड और मतलब अपने ही फ्रेंड्स अपने ही लोगों के साथ लड़ने वाली बात हो गई ना लेकिन उन्होंने फिर भी हेल्प ज़रूर प्रोवाइड की थी इंडियन ट्रूप्स को उसके बाद जब इंडिया रिपब्लिक बना 1950 में तो प्रेफिक्स रॉयल को ड्रॉप कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स से और उसी टाइम पे करंट इंडियन एयरफोर्स राउंडल को भी अडॉप्ट किया गया अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग आर यू नो वीडियो सीरीज इन द फॉर्म ऑफ पार्ट टू एंड नेक्स्ट वीडियो वुड बी लाइक इंडियन एयरफोर्स पार्ट टू एंड या दैट वॉज ऑल अबाउट इट कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल थैंक यू एवरी वन